हलचल टीवी न्यूज। वर्तमान समय में प्रदेश में किसानों की सरसों की फसल तैयार है। ऐसे में HAU के मौसम विभाग ने किसानों को सलाह दी है कि जिन किसान भाइयों की सरसों की फसल तैयार हो चुकी है, ऐसे में जल्द से जल्द कटाई कर सरसों की कढ़ाई कर लें, क्योंकि आने वाले दिनों में प्रदेश में हल्के बादल छाए रहने की संभावना है, जिससे सरसों की फसल गीली हो सकती है। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर राज सिंह ने बताया कि प्रदेश में आने वाले दिनों में मौसम परिवर्तनशील रहने की संभावनाएं हैं और 3 से 6 अप्रैल को प्रदेश में कहीं कहीं तेज हवाओं के साथ साथ हल्की बूंदाबांदी होने की भी संभावनाएं हैं। ऐसे में मौसम वैज्ञानिकों ने किसानों को सलाह देते हुए कहा कि जिन किसान भाइयों ने सरसों की फसल की कटाई कर रखी है, वे जल्द से जल्द सरसों की कढ़ाई कर लें, क्योंकि आने वाले दिनों में हल्की बारिश होने से सरसों की फसल गीली हो सकती है। आने वाले अगले 2-3 दिन तक जो है मौसम आमतौर पर परिवर्तनशील रहने की संभावना है। हरियाणा के कुछ भागों में जो है हल्के से मध्यम दर्जे के बादल, छुटपुट बादल छाए रहने की संभावना है और एक दो जगह कहीं बूंदाबांदी, मैं कहूँ तो ठीक रहेगा, बूंदाबांदी भी हो सकती है। किसान भाइयों को यही सलाह है कि वो थोड़ा सा अपना जहाँ सरसों जो उनकी खेत में है, अगर वो जल्दी से जल्दी निकाल लें तो अच्छा है, नहीं तो एक दो जगह जो है अगर बूंदाबांदी होती है तो वो गीली होने की संभावना है। और आने वाले समय में अगर उनकी किसान भाइयों को सलाह दी जाती है, अगर उनकी ज़मीन खाली हो गई है सरसों निकालने से, तो वो अपने आने वाले देसी कॉटन की अगर बिजाई कर लें तो अगर अगले 3-4 दिन में तो अच्छा रहेगा, क्योंकि देसी कॉटन की बिजाई का समय शुरू हो गया है। हिसार से हलचल टीवी के लिए रमेश चाखड़ की रिपोर्ट। हलचल टीवी न्यूज़।